तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है पंचमहल। जी हाँ दोस्तों, यही है पंचमहल। टोटल 176 खंबे हैं और 176 खंबे में ये टिका हुआ है। बीच में अकबर और चारों तरफ उनके जो मतलब सीक्रेट बात, कोई युद्ध की बात होती थी या और भी कोई बात होती थी, यहीं पे होती थी। इसी को बोलते हैं दीवाने खास। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है दीवाने आम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 ऐसे प्लेस जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग प्लेस हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पंचमहल। जी हाँ दोस्तों, पंचमहल, दीवाने आम और दीवाने खास, 3 चीज दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो आइए फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही है पंचमहल जो कि 25 के पश्चिम में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, 25 के पश्चिम में स्थित है और ये 5 स्तंभ वाला मंडप है। जी हाँ दोस्तों, 5 स्तंभ वाला मंडप है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका हर एक मंडप और उसके हर एक मंडप के ऊपर जो मंडप होगा वो उस नीचे वाले से छोटा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, नीचे वाला बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे रानियाँ आया करती थी और रानियाँ वहाँ पे मतलब इन्जॉय करती थी, क्योंकि बगल में ही वहाँ पे लूडो वगैरह और भी लुका छुपी वाला गेम हुआ करते थे, जिसके कारण रानियाँ ऊपर जाकर वहाँ से पूरा इन्जॉय करते थे। जी हाँ दोस्तों, इन्जॉयमेंट। तो आइए फिर चलते हैं, आपको दीवाने खास दिखाते हैं और उसके बाद फिर दिखाएंगे हम दीवाने आम। चलिए आइए। तो यहाँ पे इसके बारे में पूरा लिखा है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो खंबे हैं, टोटल 176 खंबे हैं और 176 खंबों में ये टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 25 का जो महल है 176 खंबों में टिका हुआ है। जैसे कि आप वहां पे सामने देख रहे हैं, आपको मैं पास से दिखाता हूँ, यहाँ पे खेलती थी लूडो। जी हाँ दोस्तों, लूडो, ये देखिए गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रानियाँ खेलती थी लूडो, ये देखिए गाइस, यहाँ पे बना हुआ है पूरा, ये देखिए। तो आइए फिर आपको मैं दिखाता हूँ दीवाने खास, जो कि बहुत ही शानदार है और मैं आपको एकदम करीब से दिखाने वाला हूँ दीवाने खास। जी हाँ दोस्तों, दीवाने खास, और उसके बाद दिखाऊंगा दीवाने आम। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यही है दीवाने खास और इसका यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ये देखिए, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर लेना। तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे, ये देखिए, ये देखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा शानदार बना हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे अकबर बैठते थे और उनके जितने मतलब सीक्रेट, जिस मतलब जो सीक्रेट बात करना होता था, हर एक स्तंभ में एक आदमी बैठता था और सीक्रेट बात किया करते थे यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, बीच में अकबर और चारों तरफ उनके जो मतलब सीक्रेट बात, कोई युद्ध की बात होती थी या और भी कोई बात होती थी, यहीं पर होती थी सीक्रेट गुफा में। तो आप जैसे देख सकते हैं कितना ज्यादा बेहतरीन है, ये देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये देखिए। इसी को बोलते हैं दीवाने खास, ये देखिए, दीवाने खास, ये देखिए गाइस। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दीवाने आम। जी हाँ दोस्तों, दीवाने आम दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे अकबर बैठते थे और कोई भी मुसीबत हो, कोई भी समस्या हो या फिर कोई मैटर हो, उसका मतलब वहाँ पे सोल्यूशन करते थे। जी हाँ दोस्तों, कोई भी मतलब कोई बात हो, वहाँ पे उसका समाधान किया जाता था। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है दीवाने आम और यहीं पे अकबर बैठते थे और कोई मुसीबत होती थी और मतलब कोई नगरी में कोई बवाल होता था, कुछ भी होता था, तो अकबर यहीं पे आके पूरा सोल्यूशन देते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो अभी मैंने पूरा फतेहपुर सीकरी का सीरीज चला रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।